भारत में जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती है वह प्रदेश है अरुणाचल। इस प्रदेश के ईटानगर शहर में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनका अपना ना कोई इनकम है और ना ही कहीं से कोई फंडिंग, पर पिछले 15 सालों से वह कई ऐसे लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं जो मानसिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से विकलांग, गंभीर रूप से बीमार, ड्रग एडिक्ट, सामाजिक रूप से नकारा, बेघर और घरेलू हिंसा के शिकार है। अधिकांश इन बेसहारा लोगों के पास अपने सर के ऊपर छत नहीं है, खुले आसमान और जमीन के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि वह कौन है और कहां से आए हैं। वे बस इधर से उधर भटकते रहते हैं। इस सेवा कार्य में जाति, धर्म और प्रदेश से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा का संकल्प लेने वाले दीपक नबाम ने 2005 में अपनी अर्धांगिनी नाबाम प्रतिमा के साथ मिलकर इस सेवा कार्य का शुरुआत की, जबकि उस वक्त वे स्वयं जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जंगलों से सब्जियां तोड़ लाना, भोजन इत्यादि का प्रबंध करना, अस्पताल में इन बेसहारा रोगियों को ले जाना, उनकी देखभाल करना, उनको नहलाना, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना, यहाँ तक कि उन रोगियों के मलमूत्र को भी साफ करना, और यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए जिसका कोई ना हो तो अपनी छोटी सी जमीन में उनके अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया संपन्न करते हैं। बेसहारा लोगों को इस तरह नई जिंदगी देना, इसी सेवा कार्य को उन्होंने बदले में बिना कुछ चाहे की अपनी जिंदगी बना ली है। मैं ये सेवा को 2005 को आरंभ किया है और इस सेवा को शुरू करने का पीछे में मैं खुद ही गवाह हूँ, और मैं अपने जीवन में किस रूप से समस्याओं के साथ जिंदगी मैंने गुजारा है और उस दर्द को मैं जानता हूँ, और उसके प्रति मेरा सहानुभूति होना, दया होना, वो तो लाजमी है। उसी का चलते ये सेवा को करके आया है, और इसी वक्त 100 से ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, और उसमें अनेक प्रकार का रोगी लोग हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज, और जो ड्रग्स एडिक्शन है, और जो घरेलू हिंसा से जो शिकार हुए लोग हैं, और जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो किया हुआ उसका विक्टिमाइज लोग हैं, और जो गंभीर रूप से बीमार रोग लोग हैं, और जो बुजुर्ग जो जिसको ओल्ड एज कहा जाता है वे लोग हैं, और उन लोगों को अभी फिलहाल हमारी सेवा यहाँ जारी रह रहा है। दीपक नबाम ने इन बेसहारे जरूरतमंदों को बैम्बू के बने घरों में आश्रय रखा है, जिसको समय के साथ मरम्मत की आवश्यकता होती है। आज के समय में प्राकृतिक आपदा के कारण लकड़ी और बैम्बू से बने घरों में भारी बारिश तथा बाढ़ से घरों में पानी और मिट्टी से भर जाता है। पानी छत से टपकने लगता है, जिससे रोगियों की बीमारियां और मुसीबतें अधिक बढ़ने लगती हैं। मानसून और ऊपर से COVID-19 के चलते सामाजिक दूरियां उनकी मजबूरी बन गई है। ऐसे में इन बेसहारे लोगों को रहने, खाने और अन्य जरूरतों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पेशेंट को अलग अलग टाइप का बीमार है, हर समय में उनको चौकस रहना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। कभी बीमार हो जाता है, सीरियस हो जाता है तो हमको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमारा पास तो गाड़ी नहीं है, उसमें मेडिसिन लेने के लिए भी हमारा पास तो पैसा भी नहीं होते हैं, और उसके बाद हम कहीं से भी फंडिंग तो नहीं मिला, और कहीं से भी हम लोग का डोनेशन भी नहीं किया है। दिल में तो बहुत सोच है, करना चाहता है, परंतु उस लेवल तक हम पहुँच नहीं पाते। इस वक्त वे अपनी आधी बनी हुई आस्था के लिए बिल्डिंग भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अकेला दीपक नबाम बरसों से खुद सेवा करते आ तो रहे हैं, लेकिन इन्हीं में सबसे ज्वलंत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक नया घर बनाने की बेहद जरूरत है उन रोगियों के लिए जो इस वक्त यहाँ 100 से अधिक रहते हैं। साथ ही अभी और 50 रोगियों को रखा जा सके, इसके लिए जल्द से जल्द एक हॉस्टल बनाने की जरूरत है, वरना वे लाचार हमेशा के लिए फिर से बेघर हो जाएंगे। इस जरूरत के समय आप सभी से अपील करते हैं कि इनकी आर्थिक मदद करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, ताकि कम से कम उन लाचारों को रहने के लिए घर मिल जाए या तो एक समय का भोजन तो मिल जाए। आपके उपहार और करुणा से उन बेसहारे लोगों की मुस्कान वापस ला सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको उनका काम अच्छा लगा तो आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया पैसे के रूप में दीपक नवाम लिविंग होम संस्था की मदद करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो आप भी इस संस्था के साथ जुड़कर इन बेसहारा लोगों की मदद कर सकते हैं। सेवा प्रदान करने के लिए आप स्क्रीन पर लिखे अकाउंट नंबर में पैसे के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं, ताकि आपके द्वारा इन बेसहारों को जीने का एक नया सहारा मिल जाए। और कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। धन्यवाद।